दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस श्री माधुपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिश्रण के पार्ट चार के बारे में, पार्ट एक यूनिक ट्रिक, पार्ट दो बेसिक औसत से मिश्रण, पार्ट तीन जिसमें हमने अनुपात और औसत के बारे में पढ़ा, अनुपात और औसत का मिश्रण, और आज हम इस मिश्रण में पढ़ेंगे औसत का मिश्रण। औसत का मिश्रण देखो, औसत का मिश्रण है जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक गेंदबाज था जिसके गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। पार्ट अगर आपने तीन नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इस वीडियो को समझने के लिए वो बहुत आवश्यक है। 24.85 रन प्रति विकेट था, एक गेंदबाज था जिसने अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए थे, 52 रन देकर 5 विकेट लिए थे, जिससे गेंदबाजी का औसत 0.85 सुधर गया था और 24 हो गया था। आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इस गेंदबाज के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, जिसमें हमने किया था कि मिश्रण वहां जहां पर कोई दो अलग अलग वैल्यू दी गई हो और दोनों को एक जगह करके बता दिया जाए, वहां हम मिश्रण का यूज करते हैं। यहां 24.85 है, यहां 52 रन देकर 5 विकेट लिया, 52 में आप 5 का भाग दिए थे यानी आपने 10.4 उसमें लास्ट में रखा था। बेटा ये अंतिम मैच से पहले का है, ये केवल अंतिम मैच का है और ये कुल है यानी कुल 24। यहां से हमने ऐसे मिश्रण किया था, यहां पर विकेटों की संख्या थी कितनी 5, तो अगले ने यहां वाले विकेट उसमें पूछे थे और जो हमने हल किए 10.4 को 24 में से हम माइनस करेंगे यानी 13.6 इधर किया तो 0.85। जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 0.85 और इसको 17 से कैंसिल किया 5 और 17 अंटे 136। यहाँ 5 की वैल्यू अगर 5 है तो 80 की वैल्यू कितनी रहेगी 80, और ऐसे टोटल विकेटों की संख्या कितनी होगी 85। ऐसे ही दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, तो दोनों ही सवाल हमारे सामने हैं। एक सवाल में ये कहना चाह रहा है कि गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 था, अंतिम मैच खेलने से पहले बेटा 11.5 दे दिया, आप कुछ मत करो लिख दो 11.5। वह गेंदबाज अगली पारी में 40 रन देखकर 5 विकेट लेता है, ये बात समझने वाली है, रन 40 दिया है विकेट 5 लिया है यानी 40 रनों पर 5 विकेट ले लिया, इसका मतलब औसत कितना हो गया, तो एक विकेट कितने रनों पर आ रहा है यानी अपन कहेंगे सर 40 में 5 का भाग देंगे यानी 8 पे आ जाएगा। गेंदबाजी का औसत 0.5 कम हो जाता है तो 0.5 कम हो जाएगा, 11.5 है यहाँ कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ 11.5 है यहाँ 8 है और यहाँ कितना हो जाएगा 11। अगले ने और यहाँ कहा है यहाँ विकेट कितने लिए बेटा 5, तो बस विकेटों की संख्या आप तो ऊपर लिख दो, इसके विकेट पता नहीं है तो ये पता नहीं है, बस यहाँ पर अपन वही मिश्रण का नियम लागू कर देंगे, यहाँ 8 है यहाँ 11 है, दोनों का अंतर लिख देंगे हम 3 और यहाँ 0.5। क्या पॉइंट लगा कि जीरो लगा लो, दशमलव आपस में कैंसिल कर देते, अनुपात हो जाएगा हमारे पास 6:1, यानी जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 को अगर 5 कहेगा तो जितना ये दिया गया उसका 5 गुना लिखना है, तो 6 × 5 = 30, तो 30 विकेट 11.5 औसत था वहां तक लिए है, 5 विकेट लास्ट वाली पारी में ले लिए, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, और हम ये कह देंगे कि इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 35 हो जाएगी। बहुत खूबसूरत सवाल था। ऐसे ही आप दूसरा सवाल देखिए, राम जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, आराम से एक बार वीडियो फ्यूज करके खुद करना, राम जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था वह अंतिम पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, इस प्रकार उसका औसत 0.04 घट जाता है, तो उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी, तो यहां आराम से समझो पहले 12.4 था,
अंतिम पारी में उसने 26 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं। तो बेटा यहाँ पर औसत निकालने के लिए हम कहेंगे सर 26/5, यानी हम कहेंगे 5.2। ये लो 5.2, यहां हमारे पास कितना 0.4 घट जाता है, औसत क्या रह जाएगा 12। क्या यहां पर मिश्रण कर दूं, 12.4 में से 12 माइनस कर दो, आप कहेंगे सर 0.4। फिर आप 12 में से 5.2 माइनस कर देते हैं, सही है 5.2 माइनस कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर यहां हो जाएगा हमारा 7.8। देखो 7 और 6.8, तो यहां 6.8, यहां 0.4 हो जाएगा और यहां 6.8। दशमलव हम हटाना चाहते हैं, यहां विकेटों की संख्या कितनी है लास्ट में देख लो, 5 विकेट लिया है, इसको लिख देते हैं हम यहां 5, इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल किया तो 4 का 1 हो जाएगा, 68 में हम भाग देते हैं 1, फिर 28 7 17:1, सही है। यहां 1 है जिसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 5। अगर 1 की वैल्यू आपको 5 दिखाई देगी तो 17 का मान कितना होगा, तो 1 को 5 गुना किया तो 17 को भी 5 गुना करेंगे और यहां हो जाएगा कितना 85। तो 85 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट ले लिए, तो आप कहेंगे सर अंतिम मैच तक उसने कुल विकेट ले लिए है 90। समझ में आया, ऐसे ही हम हर टॉपिक को छू रहे हैं, अनुपात का हमने पढ़ा है, औसत का भी हमने पढ़ा है, यूनिक ट्रिक हमने पढ़ी है, अब चलते हैं हम प्रतिशत का मिश्रण कैसे निकालते हैं। तो देखिए प्रतिशत का मिश्रण, देखो प्रतिशत का मिश्रण की जानकारी लेनी है तो बेटा सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में, वैसे आपने जानकारियां ले रखी होगी लेकिन आज थोड़ी बातें मैं बता देता हूं। प्रतिशत नाम अगर प्रतिशत है, यानी प्रतिशत, इसके सारे के सारे बातें हमें 100 के ऊपर पढ़नी है। अगर हम परसेंट टॉपिक पढ़े तो हम फ्रैक्शन से पढ़ेंगे कि कैसे उस टॉपिक को बहुत आसान बना दे अनुपात में लेके, लेकिन अभी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि मिश्रण में प्रतिशत कैसे काम करता है, उस बारे में देखिए। तो देखिए प्रतिशत का मिश्रण है तो याद रखिए परसेंट की वैल्यू पूरी की पूरी किस पे होती है, 100 पे। एक काम की बात समझना, मिश्रण में जैसे मान लो 10 लीटर का कोई घोल है, कोई भी घोल है 10 लीटर का, इस 10 लीटर के घोल को जैसे मान लीजिए मैं ये लो आपके लिए ये एक बिकर बना देता हूं, इसमें 10 लीटर का घोल है, इस 10 लीटर के घोल में मैं आपको कहूं कि भाई साहब 10 लीटर घोल है जिसमें नमक भी है और पानी भी है, नमक भी है और पानी भी है, तो आप यहां पर नमक और पानी की अनुपात बना दे, जैसे मान लो 25% तो है यहां पर नमक और 75% है यहां पर पानी, 25% नमक है और 75% पानी है, तो आइए दिमाग में यही विचार आएगा सर 1 भाग तो है नमक का और 3 भाग है पानी का, हिस्से की बात करें तो 1 हिस्सा किसका है, नमक का, और पानी के हिस्से कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3 गुना पानी है, जितना नमक है उसका 3 गुना पानी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों के सामने रख दे कि भाई साहब यहां पर पूरा का पूरा जो नमक और पानी का घोल हम बना देते हैं वो 400 बना देते हैं, 400 केजी या 400 लीटर का कोई घोल है समान, अब 400 लीटर का घोल है तो यहां 400 में पानी 75 है और नमक कितना है 25, यानी 1:3 में हो जाएगा, क्लियर है। मैं यहां पर यह कहूंगा कि अगर 100 लीटर यहां पर नमक है केजी में है तो 300 लीटर यहां पर पानी हो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। अब अगला यह कहता है कि इसमें से पानी है उसको वाष्पित किया गया, इसमें से जो पानी है उसको वाष्पित किया गया है जिसके कारण नमक की मात्रा 50% हो जाती है, पानी वाष्पित करने के कारण नमक की मात्रा कितनी बताई 50%, यानी आधा तो हो जाएगा नमक और आधा हो जाएगा क्या पानी। बेटा एक बात बताओ, अगर 50% मात्रा नमक की हो गई तो फिर पानी कितना रहेगा,
पचास ही रहेगा, सिंपल है। तो ये लो 50% हमारा क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। यानी अब जो भी घोल है वो आधा आधा हो जाएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दोबारा आराम से समझ लेना, वीडियो को बैक करके देखना, बड़ा खूबसूरत सवाल है। 400 था नमक, 25% था, 100 kg हमने बना लिया, ये 75% था, 300 kg हो गया। वाष्पित किसको किया गया, पानी को। नमक कितना परसेंट हुआ, 50। बेटा याद रखना, एक की मात्रा कम होती है ना तो दूसरे का परसेंट बढ़ेगा, और यहां 50 हो गया तो इसका भी कितना रहेगा, 50। क्या इसकी मात्रा पे कोई प्रभाव पड़ा है क्या, नमक की मात्रा पर प्रभाव पड़ा है क्या, नहीं पड़ा। तो नमक की मात्रा 100 है और नमक की मात्रा यहां भी क्या रह जाएगी, 100 ही रह जाएगी। 50% का मतलब 100 kg है, तो यहां पर भी क्या रह जाएगा, 100 ही रह जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्थाई मात्रा है उसका परसेंट बदलता है क्योंकि दूसरे की मात्रा कम या ज्यादा हो रही है, लेकिन इसकी स्थाई मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये 100 है तो ये 100 है, और अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो आप कहेंगे 200। दिमाग में विचार आया कि सर हमें परसेंट के प्रश्नों को ऐसे हल करना है, नहीं, ये बेटा आपके बताने के लिए था कि आप जब हल करो तो ये कैसे आया। बेसिक अब अगर हम हल करें इसी सवाल को तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही बात ध्यान रखना, इसमें हमें स्थाई मात्रा लिखनी होती है, आपको ध्यान रखना है स्थाई मात्रा, जो बदल जाता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मतलब आप ये दिमाग में रखो, जो बदल गया ना उसके लिए आप इतना बदलो, इतना बदलो कि आपके पास आकर खुद कह दे कि इतना बदलाव कैसे, तो आप भी कह दो बदला बेबी बदला। तो समझे, स्थाई मात्रा में आपको क्या करना है, ये कैसे हल करना है, एक बार मैं इसे ही समझा देता हूं यहीं पर करके। टोटल मिश्रण कितना है, 400 लिख दिया, 400। केवल स्थाई मात्रा का परसेंट लिखना है, स्थाई मात्रा का कितना था, तो आप कहेंगे सर 25। कुल 400 में स्थाई कितनी थी, 25, गुणा कर दो, ठीक। अब स्थाई कितनी है, 50, भाग दे दो, ठीक, ये 2 बार और ये 9, 200। इतने बड़े सवाल का इतना सा उत्तर, समझ में आ गया। कोई भी सवाल आ जाए आपको, मतलब सोचना भी नहीं है, स्थाई मात्रा ही लिखनी है। अगर कुल मात्रा साथ में लिखी है तो उत्तर भी कुल मात्रा का ही आएगा, और स्थाई मात्रा साथ में लिखी है तो उत्तर भी स्थाई मात्रा का ही आएगा। क्लियर, देखिए सवाल। तो यहां अब हमारे सामने जो ये सवाल है, तीनों ही गौर से देखिए, वही सवाल है जिसमें स्थाई मात्रा को आपको लिखना है। पहले सवाल देखो, 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, कुछ ही नहीं देखना कितना नमक और मिला है कि नमक की मात्रा 44% हो जाए। दी गई मात्रा किसकी है, नमक की, और मिलाई जाने वाली मात्रा कितनी है, मिलाए नमक, यानी नमक की मात्रा हमें दी है और मिलाने की बात भी क्या कर रहे हैं, नमक। इसका मतलब अगर नमक की मात्रा मिलाई गई है, हमने कहा स्थाई है उस पे फोकस करना है, जो बदल जाए उस पे आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। तो यहां देखो, टोटल घोल 400 ग्राम के, नमक की मात्रा कितनी है, 30। तो एक घोल में अगर नमक 30% है तो पानी कितना रह जाएगा, तो आप कहेंगे 70। स्थाई मात्रा को लिखना है बटे, यहां नमक मिलाया जाए इसलिए नमक को नहीं लिखा, कितना हो जाए 44%। स्थाई मात्रा है क्या, नमक नहीं है, ये 44 हुआ है तो दूसरी मात्रा कितनी होगी, टोटल तो 100 ही रखनी है, तो आप कहेंगे सर 56। ये सही है, 8 से 7 बार इसको काट देते हैं और 50 बार इसको काट देते हैं, ये हो गया 10, और टोटल घोल कितना आ गया, 500। अगले ने यहां पर देखो, यहां कुल मात्रा लिखी है, उत्तर भी कुल का ही आएगा, स्थाई मात्रा लिखेंगे उत्तर भी स्थाई मात्रा का ही आएगा, तो टोटल घोल था तो टोटल कितना हो गया, 500। ये कह रहा है नमक मिलाए, पहले टोटल घोल कितना था, 400, अब कितना है, 500, कितना मिला दिया, आप भी कहेंगे सर 100 मिला दिया है, 100 ग्राम इसमें पानी मिलाया गया है। क्लियर, ऐसे ही आप दूसरा सवाल देखो, तो देखिए सवाल में हमें लिखना है 400 स्थाई मात्रा लिखनी है, ये 15 था रह गया कितना, 85,
ये 32 था, इसका मतलब रह गया कितना हमारे पास, तो 32 माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 68, यहाँ 4 का 100 का बार और ये 17, 17 का 5 बार, वैल्यू कितनी आ गई 500, मतलब पहले कितनी थी 400, अब कितनी है 500, कितना मिला दिया, आप कहेंगे सर 100 मिला दिया। क्लियर, ऐसे कैसे, आप इस सवाल को भी देखो यहाँ पर ही कर लीजिए, 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता परसेंट कितना हो जाए 5, तो अब आप मुझे बताओ अशुद्ध पाई गई है लेकिन मिलाई गई कौन सी है, शुद्ध, तो आप लोग यहां लिखेंगे कि यार ये 50 लीटर है, 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई है, अशुद्ध पाई गई है और शुद्ध डाली जा रही है, इसका मतलब अशुद्ध को लिख देंगे, तो 50 गुणा करेंगे हम किसको, 20 को, और भाग दे देंगे 5 का, ये लो 10, कितना हो गया 200, पहले कितना था 50 लीटर, अब कितना है 200, कितना डाल दिया, तो आप कहेंगे सर 150, समझ में आया। तो ऐसे ही मैं दो सवाल और ये आपके सामने, दो सवाल हमारे पास हैं, ताजा फ्लो में पानी की मात्रा 80% है और सूखे फ्लो में 40%। बेटा यहां से मेरी बात समझना, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताने वाला हूं। जैसे मान लो आप एक तरबूज लेते हैं, ये एक तरबूज लिया, ये एकदम ताजा तरबूज था। क्लियर, इस ताजा तरबूज में दो चीजें आपको देखने की मिलती है, एक तो पानी और एक दूसरा होता है गुद्दा। क्लियर, गुद्दा जिसमें खपलिया भी आ जाता है, गुद्दा भी आ जाता है, बीज भी आ जाता है, उस पूरे को एक जगह करके हम कह देते हैं मान लो खपलिया। क्लियर, पानी है और एक दूसरा खपलिया है, टोटल 80% इसमें पानी है। जब ये ताजा फल की बात कर रहा हूं मैं, ताजा फल, इस ताजा फल में पानी की मात्रा 80% है। अगर ताजा फल में पानी की मात्रा 80% है तो ये खपलिया कितना रह जाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल मात्रा तो 100% होती है, अगर 100% होती है ये 80 आ गया तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 20%, समझ में। अगर यही मात्रा आपको कह रहा है ये फल सूख जाता है, ये लो ये सूख गया और कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, अब इसमें भी टोटल परसेंट मात्रा तो कितनी रहेगी 100, बेटा एक भी अपनी जगह पूरा का पूरा 100 होता है, इसमें भी आपको पानी दिया गया है और इसमें दिया गया है खपला, समझ में आ गया। अब यहां कह रहा है कि सूखे फलों में पानी की मात्रा 40%, सूखे फलों में पानी की मात्रा 40%, पूरी वैल्यू 100% यहां थी, अगर पानी 80 हो गया तो खपले कितना हो गया 20, यहां टोटल 100% है, पानी 40 हो गया तो खपले कितना हो गया, आप कहेंगे सर 60%। आप लोग मुझे एक बात बताओ, पिछले सवाल में दो जो तीन सवाल हमने पढ़े उनमें स्थाई मात्रा लिखी थी या अस्थाई मात्रा, तो आप कहेंगे सर स्थाई मात्रा। बेटा आप मुझे ये बताओ, तरबूज आपने खाया है उसमें गुद्दा स्थाई रहता है या पानी, आप कहेंगे सर गुद्दा, पानी है वो सूखता है, स्थाई क्या रहेगा गुद्दा। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो खपलिया होता है ना ये स्थाई है, क्लियर, यहां स्थाई मात्रा लिखनी है, कितने ताजा फल है 120 केजी, कुछ भी मत करो टोटल हो गया 120 केजी, स्थाई मात्रा ताजा में कितनी है 20, बटे स्थाई मात्रा सूखे में कितनी है 60, ये 60 का 2 बार और ये लो 40 केजी। बेटा कुछ भी नहीं है, केवल एक एक लाइन में आप सारे सवाल हल कर सकते हैं, समझ में आया। ऐसे ये दूसरे वाला सवाल है, एक बार देखिए वीडियो भी यूज करके आप खुद करेंगे, मैं यहां समझा देता हूं, 10 केजी का एक तरबूज है, पानी की मात्रा 70% है, यहां पर अगर पानी, वही तरबूज वाली बात हम कर लेते हैं, ये इसमें दो बातें हैं, पानी हम लिख देते हैं और दूसरा गुद्दा लिख देते हैं, ऐसे ही ये जो सूख जाता है इसमें हम पानी लिख देते हैं और इसमें हम गुद्दा लिख देते हैं। अब आप एक बात समझाओ मुझे, ये ताजा फल है यानी ये 10 केजी का है, इसमें कितना पानी है, तो आप कहेंगे सर 70% पानी, तो गुद्दा कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 30% रह जाएगा, फिर यहां कितना परसेंट पानी की मात्रा है 40% पानी है,
तो गुद्दा कितना रह जाएगा? आप कहेंगे सर 60% रह जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। टोटल कितना है? 10। हम स्थाई मात्रा लिखनी होगी तो स्थाई मात्रा गुद्दे की है, तो ये कितना है? 30। कितना केजी हो गया? 10। तो 10 गुना 30 भाग हम दे देंगे किसका? 60 का, ये 2 बार और ये 5। अब अगले ने कहा है तो बताओ कितना पानी सूख गया, वजन कितना है अब तरबूज का? 5 केजी। टोटल तरबूज कितने केजी का था? 10 केजी का। 5 केजी उसमें वजन बचा है, पहले 10 केजी था, तो पानी भी कितना सूख गया? तो आप कहेंगे 5 केजी। समझ में आया? ऐसे ही अपन प्रतिशत के मिश्रण परसेंट में एक बहुत खूबसूरत सवाल हो रहा था, उसको मैं बाद में बताता हूं। पहले हम इस मिश्रण को लाभ हानि में कैसे पढ़े उसकी जानकारी लेते हैं। तो अब हमें पढ़ेंगे लाभ हानि का मिश्रण। तो देखिए लाभ हानि का मिश्रण, बेटा लाभ हानि में मिश्रण कैसे होता है इस बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। बड़ा खूबसूरत सवाल इसका भी हमारी एग्जाम में आता है। तो देखो जैसे मान लो कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को पहले भी लाभ पर बेच रहा है, क्लियर, और एक दूसरे को भी लाभ पर बेच रहा है, और अगले ने उसका इक्वल क्रय मूल्य दे रखा है। मतलब जैसे अगला ये कह दे कि 1500 रुपए की, एक आदमी ने 1500 रुपए की 2 वस्तु खरीदी, एक आदमी ने 1500 रुपए की 2 वस्तु खरीदी, क्लियर। अब एक वस्तु पर तो ये कह दे कि 10% की हानि हो गई, एक वस्तु पर तो 10% की हानि हो गई, और एक वस्तु पर 5% का लाभ हो गया। एक दुकानदार है, पहले समझा रहा हूं, 1500 रुपए की कोई 2 वस्तु खरीदी, एक वस्तु पर 10% की हानि हो गई और एक वस्तु पर 5% का लाभ हो गया। अगला ये कह दे कि यदि इस पूरे सौदे में दुकानदार को न लाभ और न हानि हुई, इस पूरे सौदे में दुकानदार को न तो लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है, तो बताओ दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा खूबसूरत सवाल है। अब हम यहां पर निकालने बैठेंगे, मानना कि एक का अक्स है और दूसरे का 1500 माइनस अक्स, बेटा लंबा चला जाएगा प्रोसेस। बेसिक समझो, यहां पर ये जो लाभ हानि है, अगर फ्रैक्शन नहीं लगाता और बेसिक आपको लेके जाऊं तो उसका भी पूरा का पूरा मान कितना होता है? 100%। कोई भी वस्तु जिसका क्रय मूल्य आपको 100% समझना है। यहां पर कह रहा है 10% की हानि होती है, बेटा अगर हानि की बात करें तो माइनस कर देना, माइनस कर देना इस 100 में से, और अगर लाभ की बात करें तो इसमें प्लस कर देना, यानी लाभ हमेशा ज्यादा हो जाएगा और हानि के लिए माइनस हो जाएगा। यहां देखो 10% की हानि होती है, मतलब 90% में उसने पहली वस्तु बेच दी। 5% का लाभ होता है, मतलब उसने दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। न लाभ और न हानि होती है, मतलब यहां पर टोटल कितना हो गया? 100% हो गया, क्लियर। अब आप मुझे ये बताओ, ये 90 है, ये 105 है, न लाभ न हानि है 100, लाभ हो जाए 100 में जोड़ कर लिख देना, हानि हो जाए 100 में से माइनस करके लिख देना, बस। और यहां पर अनुपात बनाते, 105 है 100 है, क्या हो जाएगा? 5%। 100 है 90 है, क्या हो जाएगा? 10%। अनुपात बनाएंगे 1:2, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 3। 3 किसके बराबर रखेंगे हम? 1500। अगर 1500 3 के सर्वांग सम है, इसका मतलब 1 के कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 500, और 2 के कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1000। इसका मतलब ये 500 रुपए और ये 1000 रुपए, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया, क्लियर है। तो अब चलते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन लेकर के आगे पढ़ते हैं। तो सवाल देखो, एक आदमी 900 रुपए में 2 मेज खरीदता है, यदि वह पहली मेज को 4/5 क्रय मूल्य और दूसरी मेज को 5/4 क्रय मूल्य पर बेच दे, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे 90 रुपए का लाभ होता है।
सवाल को अगर वैसे लिख के जाए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप डायरेक्ट मिश्रण में लिख के जाओ। 900 रुपये में दो खरीदी है उसने मेज, 4/5 क्रय मूल्य, यानी अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था तो उसका 4/5, तो 100 का 4/5 यानी 80%, 1/5 यानी 20% होगा, फ्रैक्शन में आपको बताएंगे। 5/4 यानी 1/2 इसमें लाभ हो रहा है, तो हम यहां से कह देंगे कि यहां उसे लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है यानी 5/4। टोटल मूल्य अगर 100 रुपए है तो 5/4 यानी 25 125। समझ में आ गया? यहां कह रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे 90 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का सामान था? 900 का। लाभ कितने का हुआ? 90 का। तो आप मुझे ये बताओ, 900 रुपए पर अगर 90 रुपए का लाभ होगा तो लाभ परसेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे लाभ परसेंट होगा सर 10। ये 10% क्या होगा? लाभ। लाभ 100 में जोड़ते हैं कि घटाते हैं? तो आप कहेंगे सर जोड़ते हैं, तो यहां लिख दो 110। क्लियर? अब मिश्रण करना है तो ये लो मिश्रण कर दिया, 110 है 80 है, यहां कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे सर 110 और 80 का अंतर हमारे पास आ जाएगा 30। यहां 125 है और यहां 110 है, यहां कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 15। अनुपात बनाओ, तो आप कहेंगे सर 1:2। क्लियर? यहां कुल वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 3। 3 के सर्वांश में यहां कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 900। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 300। तो उसकी सस्ती मेज थी वो तो 300 रुपए की है, और जो महंगी वाली है वो कितने की है? 600 रुपए की। सस्ती मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 300। अभी हम लाभहानि का मिश्रण और पढ़ेंगे, उसके बाद में साधारण ब्याज का मिश्रण आएगा, अनुपात का मिश्रण और पढ़ेंगे जिसमें तीन मिश्रण एक साथ दिए गए हो, है ना, 70 रुपए की, 75 रुपए की और 80 रुपए की, तीन प्रकार की चाय को लेकर 90 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर यदि उसे 20% का लाभ होता है, यदि तीसरे प्रकार की चाय 80 kg थी तो बताओ पहली और दूसरे प्रकार की चाय कितनी कितनी kg थी, है ना। एक सवाल आया करता है कि एक मिश्रण है जिसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी भर दिया जाता है, ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, अंत में इतना पानी उसमें शेष बच जाता है, तो बताओ यह अनुपात दे दे आपको और ये पूछ ले कि प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, की जानकारी आप अगले वीडियो में देखिए। और धन्यवाद, आप मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे शेयर करिए अधिक से अधिक संख्या में और लोगों को बताइए कि यार इस प्रकार से मैथमेटिक्स को बहुत बेसिक करके पढ़ाया जाता है, मेरी बजाय आप कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।